नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे देश विदेश के सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं तान्या। विधानसभा का सेशन 27 नवंबर से शुरू होने जा रहा है जो 29 नवंबर तक चलेगा और अकाली दल इस सेशन का समय बढ़ाने की लगातार मांग कर रहा है। आज इसी मांग को लेकर श्रोमणी अकाली दल ने विधानसभा स्पीकर राणा केपी को एक मेमोरेंडम सौंपा। स्पीकर को मेमोरेंडम सौंपने के बाद विक्रम मजीठिया ने पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया और इस शीतकालीन सत्र के दौरान श्रोमणी अकाली दल और भाजपा द्वारा उठाए जाने वाले प्रश्नों का ब्यौरा दिया। असी सारे श्रोमणी अकाली दल ते बीजेपी दे एमएलए साहिबान इस गल नूं स्पीकर साहब नूं मिले हैं कि एक ता समा वधाउण दी इसलिए लोड़ है क्योंकि कई बड़े इंपॉर्टेंट ते संवेदनशील मुद्दे है जिदे ते श्रोमणी अकाली दल दे ते बीजेपी दे लैजिस्लेचर चाहुंदे है कि बहस भी होवे, सरकार अपनी स्थिति भी स्पष्ट करे सो कि पंजाब दे लोकां नूं इह समझ आ सके कि सरकार दी इन्हां मुद्दियां ते मनशा की है। साडी कोई आम आदमी पार्टी दा तां इक सिस्टम बन गया, सज्जे जाओ ते खब्बे दी डिमांड रखदे नहीं, खब्बे जाओ ते सज्जे दी डिमांड रखदे नहीं। खेरा साहब की करदे सी, पहला कहिंदे सी जी एजेंसी तो करा दो, हुण कोर्ट ने फैसला करता तो कहिंदे एजेंसी को लै जाओ। कोर्ट है उत्तों दी कि एजेंसी उत्तों दी है? कोर्ट नहीं जब फैसला करता तो हाउ कैन यू कीप शिफ्टिंग गोल्ड पोस्ट। मैं बार बार कह रहा, आई हैव फुल फेथ इन पंजाब पुलिस, मगर इस स्थिति च आई एम नॉट ईवन सेइंग कि तुसी दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ कि और एजेंसी नूं इनवॉल्व तां करो जे दे आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा की गई टिप्पणी पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पूरा हरियाणा उनका परिवार है, महिलाओं और बेटियों की चिंता उन्हें भी है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हरियाणा पर भ्रूण हत्या का कलंक लगा था जिसकी हुड्डा जी ने 10 वर्षों में चिंता नहीं की। साक्षी मलिक को नौकरी देने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि साक्षी मलिक पहले से रेलवे में कार्य कर रही थी और उन्होंने रेलवे में ही कार्य करने की इच्छा व्यक्त की थी, अगर वे हरियाणा में कार्य करना चाहती हैं तो अवश्य उन्हें यहाँ नौकरी दी जाएगी। मैंने तो हुड्डा जी की सोच पर टिप्पणी की थी, लेकिन मुझे बड़ा अजीब लगा कि जब उन्होंने मेरे ऊपर ये एक व्यक्तिगत टिप्पणी की। हालांकि इस व्यक्तिगत टिप्पणी से मुझे कोई अंतर नहीं पड़ा है, बल्कि मैं फिर उन्हीं की सोच के हिसाब से आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने ये सब किया है। मेरी अपनी कोई बेटी नहीं है, मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरी पत्नी नहीं है, मेरा उस नाते से मैंने परिवार नहीं बनाया। जिस प्रकार की परिवार की चिंता वो स्वयं अपने परिवार की हमेशा करते रहे हैं। मेरे लिए पूरा हरियाणा एक परिवार है और इस परिवार के नाते से मैंने बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए जितनी चिंता की है, आपको मालूम है कि हरियाणा में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध को देख करके हमने महिलाओं के थाने सब जिलों में खोले। 1947 के बाद, 1947 हरियाणा जब से बना उसके बाद केवल एक महिला थाना हरियाणा में था, हमने 22 के 22 जिलों में महिलाओं के थाने खोले हैं। किस प्रकार से सुरक्षा हो महिलाओं की, किस प्रकार से शिक्षा उनमें पारंगत हो, ये हमने किया है। ये जो हज़ारों लड़कियों की जानें वो नहीं बचा सके और वो गर्भ में ही मरती रही और हम लोगों ने उनकी जानें बचाई हैं, ये एक पिता के दर्द को मैं इससे बड़ा और मैं नहीं कुछ कह सकता। प्रश्न ये है कि हमने एक फार्मूला बनाया है, एक सिस्टम बनाया है कि भाई ऐसे सब खिलाड़ियों को रिजर्वेशन के आधार के ऊपर उनको लगातार नौकरियां मिलेंगी। चूँकि अब ये संख्या हमारे राज्य में इतनी बढ़ रही है कि बढ़ी हुई संख्या के अंदर हमने एक परमानेंट सिस्टम बना दिया है कि उनको 3% का कोटा दे करके हम हर प्रकार की नौकरियों के अंदर उनको आगे बढ़ाएंगे। नया पिल्सबरी कुकी केक, इसमें है चोको चिप्स और चोको ड्रिजल और चोको केक, अब होगा मुंह में धमाकेदार एंटरटेनमेंट। अपनी मांगों को लेकर हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने रोडवेज डिपो में सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान कर्मचारियों ने जमकर सरकार के विरोध में नारेबाजी की। कर्मचारियों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद पक्के किए 8200 कर्मचारियों को सरकार ने दोबारा कच्चा करने का काम किया व मुनाफे वाले रूट को घाटे के रूट बताकर बंद करने का काम किया जा रहा है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती तो हरियाणा व रोडवेज में शांति नहीं रहेगी। आज का जो ये धरना है, 8200 जो कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट से केस जीत करके रेगुलर हुए थे उनको सरकार ने नोटिस जारी कर दिया दोबारा कच्चे करने का। अगर पीछे की बताया जाए तो हमारे जो रोडवेज के चालक परिचालक थे उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर एक केस डाला था
कि जो सरकार ने जो नीति बना करके हमको रोडवेज विभाग के अंदर लिया है वो बिल्कुल गैर कानूनी है। तो हाई कोर्ट ने इस नीति को असंवैधानिक ठहराते हुए संविधान की धाराओं के तहत गैर कानूनी करार दिया था, लेकिन जो पिछली हुड्डा सरकार इस कोर को जानबूझ करके सुप्रीम कोर्ट में ले गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए रोडवेज के चालक परिचालक के हक में फैसला दिया और उनको डेट ऑफ ज्वाइनिंग से रेगुलर के आदेश जारी कर दिए। लेकिन ये सरकार ये इस प्रकार का जो हथकंडा दूसरी बार अपना चुकी है। एक तरफ तो हरियाणा सरकार कहती है कि जो रोडवेज घाटे में चल रही है लंबे समय से, और दूसरी तरफ जो मुनाफे वाले रूट हैं अगर बाहर किया जाए तो आज हरियाणा रोडवेज केवल हरियाणा की जनता की पसंद नहीं है, जम्मू हिमाचल पंजाब राजस्थान उत्तराखंड यूपी सभी की जो जनता अगर हरियाणा रोडवेज की गाड़ी वहाँ जाती है तो बिल्कुल खचाखच भर जाती है और इतना पैसा लेकर के आती है कि जिसका कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। और वही मुनाफे वाले रूट सरकार बंद करना चाहती है। सरकार जब तक ये दोनों तुगलकी फरमान वापस नहीं करेगी तब तक ना तो पूरे हरियाणा में शांति रहेगी और ना ही रोडवेज में शांति रहेगी। और रही बात आगामी आंदोलन की, आने वाली 2 दिसंबर को रोहतक में स्थित कर्मचारी भवन के अंदर हमारी कन्वेंशन होगी और जिसमें राज्य कमेटी आगामी और तिखे आंदोलन की घोषणा करेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कुरुक्षेत्र में होने वाले गीता जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति कुरुक्षेत्र जाने के लिए अपने विशेष विमान से अंबाला कैंट एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड करेंगे, जिसके बाद वे सड़क मार्ग से होते हुए कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे। राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए पुलिस समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। राष्ट्रपति आगमन पर सुरक्षा से संबंधित हमने कड़े प्रबंध किए हैं, जगह जगह नाके लगाए हुए हैं, होटल धर्मशाला है उनको चेक किया जा रहा है और संदिग्ध पर्सनों को चेक किया जा रहा है। इसमें हर तरह के सुरक्षा इंतजाम अलग अलग से किए हुए हैं, जैसे एयरफोर्स स्टेशन के बाहर अलग फोर्स लगाई हुई है, अंदर अलग लगाई हुई है, और ड्यूटी है वो अलग से लगाई हुई है। ये कल 25 तारीख को प्रोग्राम है इनका आने का, टाइम का भी कन्फर्म नहीं हुआ है। अब आपकी सेक्स समस्या हो जाएगी छूमंतर। अगर आपको बचपन की गलतियों के कारण साथी के सामने शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही है, शुगर शराब और बढ़ती उम्र के कारण कमजोरी है, अगर आपके जीवन साथी की संतुष्टि ना हुई तो आपका दिन रात की कमाई का क्या फायदा, तो इन सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए आ गए हैं विश्व विख्यात सेक्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर SD शर्मा। डॉक्टर शर्मा एक ऐसे स्पेशलिस्ट हैं जो सेक्स से जुड़ी हर समस्या का समाधान करने की पूरी गारंटी देते हैं। जालंधर बस स्टैंड के सामने पंजाब रोडवेज टीपू नंबर 1 के पास शर्मा कॉम्प्लेक्स, जहां सिर्फ बेहतरीन कीमती देसी नुस्खों से देसी दवाइयां तैयार की जाती हैं। तो अभी कॉल करें। डलहौजी के टगोर चौक में एक युवक ने ATM में चोरी करने के इरादे से ATM में तोड़फोड़ की थी, लेकिन चोरी करने में नाकाम रहा था। पुलिस ने ATM के कैबिन में लगे CCTV कैमरा की फुटेज मिलते ही आरोपी की तलाश करनी शुरू कर दी थी और डलहौजी छावनी में शातिर युवक को धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए युवक की उम्र 22 वर्ष है। डलहौजी के थाना प्रभारी कुलदीप शर्मा के अनुसार उक्त युवक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और अब इसे कोर्ट में पेश करने की औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। हाँ, जो कल ATM की तोड़फोड़ की वारदात हुई थी उसमें फुटेज के आधार पर जो है हमने जो आरोपी है उसको ट्रेस अप कर लिया है, उसके खिलाफ जो नियमानुसार कार्रवाई बनाई जा रही है, जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो उसके खिलाफ की जा रही है। कि हार पर है कि हार साइड रहने वाला, लेकिन 8-9 साल से यहाँ कैंट एरिया में क्वार्टर में रह रहे हैं, किराए के क्वार्टर में मदर वगैरह के साथ है। फिर जाँच चली हुई है तो जो भी आगे सामने उसके अनुसार कार्रवाई होगी, बाकी छानबीन चली हुई। हर सोने आंगन में गूंजेगी खुशियों की किलकारी, हर घर में खिलेगी उम्मीदों की किरण, ये भरोसा है प्रख्यात डॉक्टर आशीष कपूर का, जिन्होंने जालंधर स्थित ST हॉस्पिटल के जरिए अनेक निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति का सुख दिया है। यहाँ इनफर्टिलिटी और यौन संबंधी बीमारियों की विस्तृत रूप से जांच की जाती है। निराशा को दूर कर खुशियों को दें एक और अवसर। ST हॉस्पिटल नियर फुटबॉल चौक जालंधर पंजाब इंडिया 144002। हमारा फोन नंबर है 09915402525 01815042525।
चंडीगढ़ में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष की तरह टूरिज्म विभाग द्वारा लेजर वैली में करवाए जा रहे 3 दिवसीय कार्निवल फेस्टिवल का शुक्रवार से आगाज हो गया है। इस बार कार्निवल का मुख्य थीम है इंद्रधनुष और इसी थीम पर कार्निवल में सभी स्टॉल लगाए गए हैं। कार्निवल का उद्घाटन चंडीगढ़ के सांसद किरण खेर ने किया, वहीं उनके साथ चंडीगढ़ के गृह सचिव अनुराग अग्रवाल भी मौजूद रहे। जो आज हमने ये ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड ने जो ये स्टॉल लगाए हैं, इसके द्वारा हम लोग पब्लिक में अवेयरनेस करना चाहते हैं कि ट्रांसजेंडर भी आपके सोसाइटी का हिस्सा हैं, वो अलग नहीं है और जो डिफरेंट है वो रॉन्ग नहीं होता है। हाँ जी, इस पेंटिंग में असी 3 दिन के कंप्लीट करना है। ये चंडीगढ़ ललित कला अकैडमी के वालों एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जाती है, जिद यंग आर्टिस्ट और साढ़े प्रोफेसनल आर्टिस्ट है जिन्होंने मिलकर असं काम करते हैं। ये 8 आर्टिस्ट काम कर रहे हैं और मैं फाइन आर्ट्स कॉलेज तो स्टूडेंट हैगा। तो इस पेंटिंग के मैं अपनी फीलिंग अपनी मैमरी बना रहा कि मैं पेंटिंग के नाल गाने का भी शौक है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।